हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत सीरीज में। आज और एक हम श्रील प्रभुपाद की लीला देखेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जब मायापुर में थे, इस्कॉन मायापुर, वहाँ पे पहले के दिनों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, प्रॉपर रहने के लिए जगह नहीं थी और बाथरूम जाने के लिए प्रॉपर बाथरूम नहीं था, तो इनिशियल कंडीशंस मायापुर में बहुत ही कठिन थे। तो उस समय में एक बार जब श्रील प्रभुपाद और कुछ भक्त वहाँ पे रह रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद बाथरूम गए और बाथरूम एकदम सिंपल था, ऐसा कुछ बढ़िया एकदम बाथरूम नहीं था, सिंपल सा बाथरूम था, टॉयलेट बाथरूम। तो जब प्रभुपाद बाथरूम गए, तो उधर जब श्रील प्रभुपाद बाथरूम से बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा एक जहरीला सर्प, कोबरा, किंग कोबरा वहाँ से बाहर से बाथरूम में आ रहा था। क्योंकि मायापुर ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे कोबरा, काफ़ी सारे जहरीले सर्प रहते हैं और वहाँ पे इतना पानी भरता है गंगा के कारण, तो ये सर्प भी बाहर आते हैं। तो ये जहरीला ऐसा बड़ा सर्प, विषारी सर्प, किंग कोबरा ऐसे अंदर आ रहा था बाथरूम के अंदर और श्रील प्रभुपाद अंदर से बाहर जा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने ये देखा जहरीला सर्प, तो श्रील प्रभुपाद ने जो दरवाज़ा था, जो वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, तो उसमें उस सर्प का पूंछ अटक गया, तो वो पूरा अंदर नहीं आ पाया। तो जब वो उसका पूंछ पकड़ा गया बाथरूम के वो दरवाजे में, तो वो गुस्सा हो गया सर्प और श्रील प्रभुपाद के ऊपर वो दंश करने का प्रयत्न कर रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे खड़े है और दरवाजा उन्होंने पकड़ा है और वो सर्प ऐसे उनको दंश करने का प्रयत्न कर रहा है, थोड़ा सा मिस कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने उसको पकड़ के रखा था और वो सर्प थोड़ा ही आगे आगे आ रहा था और प्रभुपाद को दंश करने का प्रयत्न कर रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने तभी जोर से चिल्लाए कि जय पताका, क्योंकि जय पताका महाराज जब वो ब्रह्मचारी थे वहाँ पे, वो भी वहाँ पे रहते थे। तो तभी तुरंत जय पताका महाराज नज़दीक से ही जा रहे थे, वो तुरंत वहाँ पे आ गया और देखा कि एक सर्प, जहरीला सर्प प्रभुपाद को दंश करने का प्रयत्न कर रहा है। तो उन्होंने एक लकड़ी लाई और वो सर्प को उधर से भगा दिया और फिर श्रील प्रभुपाद बाहर आ गए। तो सोचिए एक नियर डेथ एक्सपीरियंस था कि एक सर्प ऑलमोस्ट दंश करने वाला था श्रील प्रभुपाद। तो फिर सिचुएशन नॉर्मल हो गया, श्रील प्रभुपाद बाहर आ गए और बाद में जय पताका महाराज बोलते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इसके बारे में थोड़ा भी जिक्र कभी नहीं किया, बाद में किसी को भी जिक्र नहीं किया। अगर हम उस सिचुएशन में होते, परिस्थिति में होते, तो हम सबको बोलते कि आज क्या हुआ है पता है, मैं मरते मरते बच गया, एक जहरीला सर्प मुझे दंश करने वाला था, और सबको बताते ताकि फिर सब लोग पूछते हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, कि ताकि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके। लेकिन श्रील प्रभुपाद उससे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। ठीक है, सर्प आया था और बाद में वो चला गया, तो उससे ज़्यादा विचलित नहीं हुए श्रील प्रभुपाद। वो परिस्थिति, वो किस्सा किसी को भी बाद में श्रील प्रभुपाद ने बताया नहीं। तो श्रील प्रभुपाद की इस लीला से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक शुद्ध भक्त होते हैं, वो किसी भी संकट में होते हैं या किसी भी विकट परिस्थिति में होते हैं, तो उसका ज़्यादा सबको प्रचार नहीं करते, देखो मैं इतने संकट से गुजरा हूँ, पता है ये संकट आया और मैं उससे बच गया हूँ, तो वो विचलित नहीं होते और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते। तो हम ये श्रील प्रभुपाद के इस लीला से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।